हेलो, कहाँ हेलो। यार? कहाँ हो? कहाँ पे हो? अभी वो नीचे थी, मैं रूम में। तो नीचे थे, फोन नहीं ले जा सकती थी नीचे? नहीं, वो मेरा फोन चार्ज नहीं था ना, तो मैंने चार्ज पे लगाया था। यार तुमको कोई कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि किसी का कॉल आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, बस चार्जिंग लगा के तुम नीचे चले गए। हाँ, तो मुझे पता नहीं था ना कि आप कॉल करेंगे। यार आपको पता है ना कि मैं कॉल करूंगा, तो फिर क्यों नहीं ले जाते हो अपने साथ? पता था, इसलिए मेरे को लगा कि शायद करोगे, इस वजह से तो मैं आ गई ना। यार तुम्हारे दिन पर दिन ड्रामे रहते हैं। अभी कल बोल रहा था मैं आपसे मिलने के लिए, उसमें भी आप मना कर रहे हो। क्या चाहते, क्या हो यार तुम? 5 दिन ही तो बचा, 5 दिन वेट कर लो। यार 5 दिन? 5 दिन नहीं, 5 दिन। यार हाँ वही ना, तो 5 दिन, सिर्फ 5 दिन। तुम्हारे लिए होंगे सिर्फ 5 दिन, मेरे लिए 5 दिन है। मेरे लिए सिर्फ 5 दिन है क्या? मेरे लिए सिर्फ नहीं है, 5 दिन है, समझो मेरी बात को। तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ही तो टाइम है। अच्छा थोड़ा सा टाइम है हाँ ये तुम्हारे लिए है, थोड़ा सा टाइम, पर ना कि मेरे लिए है। सब्र तो फिर मीठा होता है। तो ठीक है, सबरे कर लेते हैं थोड़े दिन और। वैसे भी क्या, वैसे भी जो जी तो मिलूंगा फिर तुमसे। नहा लिया तुमने या अभी नहीं नहाया? नहा लिया ओह सॉरी, पूछ भी किससे रहा हूँ मैं। क्यों? उसे क्या बोलते हैं, पुजारिन पंडिताइन हो तुम? तुम्हारी तरह नहीं हूं मैं, ठीक है? हाँ, मैं कैसा हूँ फिर? सुबह ना आना, शाम ना आना, पूजा पाठ करना, मैं तो बस एक बार ही करती हूँ, तुम तो 2 दिन बाद करते हो। लगता है मैं तो एक ही बार करती हूँ। मैं जब भी कॉल करूँ तो अच्छी, ठीक है मैं जा रही हूँ नहाने, ठीक है? अभी मुझे पूजा भी तो करनी है। यार भगवान जी को भी थोड़ा टाइम देना होता है ना। हाँ, तो फिर किसे पुजारण कह रहे, मुझे खुद को? हाँ तुमको ही बोल रहा हूँ, सुबह सुबह अरे नहाना, सुबह सुबह फिर जल्दी जल्दी पूजा कर लेना। मैं तो एक टाइम में आता, वो भी शाम को, वो भी शाम को ही पूजा करता हूँ। आपने तो बोला था दोनों टाइम में आते हो। अब वो दोनों टाइम हो जाता है कभी कदार, बट ज्यादातर एक ही टाइम में आता, वो भी शाम को। अब तो गर्मी पड़ रही है तब तो दोनों टाइम, तीनों टाइम नहाता हूँ मैं। अच्छी बात है। यार वही अभी तो 5 दिन बाकी हैं। ना, सिर्फ 5 दिन। और शादी के बाद तो फिर दोनों लोग एक साथ भी ना आ सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं? हाँ नहा सकते हैं ना एक ही शावर में? नहीं, क्यों आप नहीं? नहीं शाम को नहाते हो, मैं सुबह नहाती हूँ। तो क्या हुआ, मैं सुबह भी नहा लूंगा आपके देखते साथ, एक ही टॉवल में, बिना कपड़ों में, एक ही शावर में। हाँ हैं। जैसे कि तुमने वाली रील्स मेरे को शेयर करी थी इंस्टा पे, दोनों कपल्स थे, ना कि कपड़े थे और ऐसे ही नहा रहे थे वन एक शावर में, उस तरह से कुछ? अच्छा बता, मैंने एक रील्स देखी थी, उसमें एक ना डायमंड की रिंग थी, उसका डायमंड इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था ना, मुझे भी वैसी रिंग चाहिए मेरे शादी वाले दिन। अभी जो एंगेजमेंट वाले दिन दिया है उससे पेट नहीं भरा आपका? तो क्या हुआ, वो अलग है ना, जो शादी वाले दिन तो होगी वो अलग रहेगा, कितना रोमांटिक लगेगा ना सबके सामने पहनाना। ये तो है। और
कोई नहीं, ठीक है, दे दूंगा, बट अभी से तुम्हारी डिमांड चालू हो रहे हैं आगे तक। आई थिंक मैं बचू या ना बचू तुम्हारी डिमांड पूरे करते करते। ऐसा भी नहीं है। एक खूबसूरत लड़कियों की डिमांड काफी ज्यादा होते हैं, क्या ये सच बात है? पता नहीं है। लगता तो यार, जहां तक मैंने देखा है सुना है दूर दूर से। हाँ, अच्छा क्या कर रहे हो? नींद आ रही है। ना दिया भाई, वीडियो कॉल करूँ ना यार, तुम्हारी नींद देखनी है मेरे को, सोते कैसे हो? अभी नहीं सोना। अच्छा, ठीक है, अभी नहीं सुना, बट बताओ ना कैसे सोते हो? मतलब पिलो बीच में रख के, दोनों पैरों को बीच में ऐसे हग करके, या फिर सीधे नहीं, सीधे सीधे, या उल्टे उल्टे, कैसे? अच्छा, होकर बस। सीधे? ओके। काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी ना सीधे होके? नहीं होती, लटकते नहीं, हैं ना काफी, इधर उधर भागते हैं। क्या मतलब हाँ, लटकते होंगे ना आपके, इधर उधर भागते होंगे, तो उनको क्या चीज़, संभालना होता होगा आपको। हाँ क्या बाल? हाँ बाल, और क्या लटक रहे हैं? कुछ लटक रहे हैं क्या? नहीं, बाल बांध के सोते हो ना? मैं अब मेरे को लगा ऐसे खुले खुले। हाँ अच्छा, तुमने डिसाइड किया हनीमून पे कहाँ जा रहे? जहाँ बताओ वहाँ चलते हैं ना। आउट ऑफ इंडिया? किस ठीक है, मैं भी ये सोच रहा था, क्या ये तो मेरी जेब खाली करा के रहेगी। बोला? हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं, लगता है कटोरा दिलवा देगी आपसे। इतने भी पैसे नहीं लगते, 1 लाख के अंदर हो जाएगा, ठीक है? और अगर बाहर क्या एक बाली या लाख थाईलैंड किया ना, तो 50 हजार के अंदर ही हो जाएगा, तो इतना वो मत करो, ठीक है? तो 50,000? आउट ऑफ इंडिया जाना है, ये बगल में थोड़ी जाना है जो 10-5 रुपये में निपट जाओगे। मेरी सारी फ्रेंड्स गई थी आउट ऑफ इंडिया, अब मैं थोड़ी यहाँ पे रहूंगी, मुझे भी जाना है। यार मैं तो सोच रहा था बगल में थोड़े से दूर पे रिजॉर्ट खुला हुआ है, 15 रुपए फीस है, आराम से चलते हैं, नहाते हैं, उसके बाद मुंह पोंछ के, बॉडी पोंछ के चले आते हैं। पिकनिक मनाने थोड़ी जा रहे हैं वो जो हनीमून, ऐसे पास में चले गए और 2 मिनट में आ गए। ठीक, और बगल में नाला भी बढ़िया बढ़िया बना है इस टाइम तो। मुझे आउट ऑफ इंडिया चाहिए। आउट ऑफ इंडिया, मेरा तो घर भी जाना है तुम्हारे साथ, कोई घर शादी नहीं कर रहा हूँ बिकना तो। है, बस 1 लाख के अंदर आराम से घूम सकते हैं। तुम्हारे लिए 1 लाख है, सिंपल है बोलना। यहाँ तो बोलना सोचना बहुत ही डिफरेंट है यार। कितने ज्यादा पैसे लग जाते हैं, मैं तो फिर भी बस 1 लाख बता दूँ। 1 लाख तुम्हारा जो थाईलैंड हो बोलना है गया, ना, 1 लाख मेरे बाली, लिए। ये सब बहुत सस्ते में होता है यार। यहाँ पे तो 1 लाख के अंदर बहुत मजे कर सकते हैं। दुबई हो गया, इस तरह के पैसे नहीं लगते, बस 1 लाख और दो लोगों के तो यार काफी है। अच्छा यार, मजे तो हम दोनों एक तो बेडरूम पे भी कर सकते हैं। तो यार, तो हम कौन से बार 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 जाएंगे? मतलब रोज एक ही बार तो जाना है, अब उसको भी अच्छे से सेलिब्रेट नहीं हो तो क्या फायदा? यार मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ सेलिब्रेट करने के लिए, सेलिब्रेट कर रहा हूँ, कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट यार तो हाँ, तो यहाँ नहीं करना है ना, बाहर करना है, फर्स्ट नाइट कहाँ बनेगी हम दोनों की? जहाँ पे भी बनेगी, पर यहाँ पे तो नहीं बनेगी। आउट ऑफ इंडिया वे कहीं भी बन जाएगी। अच्छा समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट नाइट में क्या क्या, मतलब इस तरीके से सब कुछ। हाँ, फिर भी यहाँ नहीं थी मुझे। यार अच्छा ठीक है, यहाँ कर लेते हैं सब, बट
फिर उसके बाद जब बाहर आउट ऑफ इंडिया चलेंगे तो वहां पे तो करना ही करना है सब कुछ, मतलब घूमना है। नहीं, जिस दिन शादी होगी उसके दूसरे दिन निकलेंगे पैसे। अच्छा तो सब हाँ सब फैमिली मेंबर और सब क्या बोलेंगे, लो जोरू का गुलाम बन गया अभी सर, भाग गए तो 2 दिन में ही। इसमें जोरों का गुलाम क्या है यार, हनीमून कोई नहीं मनाता क्या? सब तो जाते हैं। यहाँ तो तुम तो बोल रही हो, यहाँ गाँव है यार, यहाँ हनीमून छोड़ो शादी के बाद तो सब अपने भैंसियों में लग जाते हैं, दूध दूहने के लिए, कहीं गोबर फेंकना, कहीं ये करना, कहीं वो करना। तुम्हारा होगा गाँव बट मेरा नहीं है यहाँ, तो कि मेरे मम्मी पापा भी ना बहुत अच्छी जगह गए थे। यार यार तुम मेरे ठीक को तो जानी है फिर। है, तुमको जानी है, अच्छी बात है, बट शादी के बाद थोड़ा ध्यान से अपने घर में भैंसी वगैरह है, तुमको सब कुछ करना पड़ेगा, गोबर वगैरह भी उठाना पड़ेगा उसका, करना नहीं ये सब नहीं करती। तो पड़ेगा यार, यो भैंस के दूध भी निकालना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हें करे सारे काम, मुझे नहीं करना। नहीं करना, नहीं करना तो पड़ेगा ही, नहीं मैं नहीं करती ये सब। तो नहीं कर रही है तो फिर कैंसल क्या कैंसिल हनीमून। शादी कैंसिल? अच्छा हनीमून कैंसल तो शादी कैंसल। हाँ थोड़ा सा तुम गोबर भी नहीं उठा सकते अपने हाथों से? अब तुम नहीं उठा सकते मेरी तरफ से। अपने मैं तो उठाता ही हूँ रोज, तुमको भी तो उठाना पड़ेगा। घर में एक गिलास तक नहीं उठाया मैंने। भगवान, कौन सी पापा की परी के चक्कर में फंस गया मैं। बकवास नहीं कर रही, ठीक है? ड्रामे बाज औरत, क्या पता मेरे पीठ पीछे सब कुछ काम करते हो। क्या मैं नहीं उठाती, मैंने ग्लास तक नहीं उठाया, ढोंगी बाज। तुमको क्या पता मैं कैसे रहती हूँ कैसे नहीं। मेरे घर में नौकर चाकर है ये सब करने के लिए, ठीक है? चल तो मेरे घर में भी नौकर हैं। हाँ जो नौकर मैं हूँ, नौकर है तो मैं हूँ नौकर हाँ, घर तो का। तुम ना हम लोगों ने अलग से हायर करके रखी है, ठीक है? और हमारे यहाँ पूरे दिन में कोई ना कोई आता रहता है काम करने के लिए, तो मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो सही है, पर तुमको सोचना चाहिए था ना, मैं एक क्या सुंदरी क्यूटी पाय पापा की परी, मैं कहाँ ऐसे गाँव जा सकती हूँ, तो फिर क्यों तुमने हाँ बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था। तो शादी के बाद हम अलग रह लेंगे ना, प्रॉब्लम अलग से अपार्टमेंट लेके रह लेंगे, साथ में नहीं रहते तो अपार्टमेंट क्या? 20,000 होते हैं उसके रेंट पर मंथ के, और खरीदने जाएंगे ना तो 2.5 करोड़ के नीचे नहीं मिलेगा, 3 BHK। हाँ किडनी डी नहीं बेचनी पड़ेगी। यार इतनी सेविंग तो तुमने की होगी कि तुम्हें खुद अकल हो गई शादी के बाद कितना खर्चा होगा। वो तो है, मैंने सेविंग कर रखी है, जो भैंस है ना, भैंस एक भैंस कितने की है, 1.5 लाख रुपए की है। तुम हर बार पे भैंस कुत्ता बिल्ली ले आते हो वापस से? कुत्ता नहीं लाया ना, बिल्ली लाया, भैंस लाया हूँ मैं, तो उस हाँ 1.5 लाख रुपए भाई के उसको बेच दूंगा तो 1.5 लाख रुपए मिल जाएगा मेरे को। हाँ, वो हमारे हनीमून का इंतजाम हो गया ओ हनीमून के लिए मैं एक बेच डालू उसको। तो क्या बेच दो। वाह 1 लाख काफी होता तो 1.5 लाख तो बहुत है। और मेरी अंगूठी उसमें अगर मीडियम डायमंड भी लगाओगे तो 4-5 लाख तक में मिलेगा, कुल मिला के 5 लाख मान लो। ये लड़की घर बनाने आई है फिर उजाड़ने आई है। हाँ इतने खर्चे हैं तुम्हारे, इतने काम बस दो ही चीज तो मांगी है मैंने अबे तुमसे, दो ही नहीं चीज में तीन। यहाँ मैं कटोरा लेके बैठ जाऊंगा किसी मंदिर में? हाँ तो आज के लिए सोने का कौन पहनता है, सब डायमंड की पहनते हैं। उठा ले भगवान उठा ले। अरे और अगर वो नहीं कर सकते तो आईफोन दिला दो। सुनो, मैं नींद आ रही है, चक्कर भी आ रहे हैं, बाय।
नहीं रुको मैं सुनो, जा मेरी रहा, बात, मेरी बात सुनो, मैं जा रहा। मुझे शादी वाले दिन चक्कर आने लग जाएंगे फिर, वो चलेगा, मैं सो जाऊंगी, किसी को पता नहीं रहेगा कि मैं कहाँ पे हूँ, ढूंढते रहना ठीक है, शादी का टाइम निकल जाएगा, फिर दूसरे दिन आँख खुलेगी मेरी। मैं तो यही चाहता ही हूँ। पीछे तुम्हारे इतने खर्चे हैं, साथ ही नकल तो ज्यादा बेस्ट अरे क्या है। हाँ चाह रहे हो, बस वो सूखी रोटी खाऊँ मैं और बस एक कपड़ा होड़ के चलती रहूँ, खर्चे तो होंगे यार। कपड़ा, मैं तो तुमको एक वो बोरा देने के लिए सोच रहा था, तुम तो कपड़े पे आ गए। मेरे पापा की इतनी हैसियत है कि मेरे को अच्छे से कपड़े भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ हैसियत नहीं है ना। अच्छा हाँ अभी जो मैंने तुमको क्या बोलते हैं एंगेजमेंट जो रिंग दी, वो उसी में मेरी हालत खराब हो गई, उसी में मेरे को दो भैंस बेचनी पड़ी। हाँ, तो एक और भेज दो, हमारा हनीमून का इंतजाम हो जाएगा। तुम कितनी 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 नालायक इंसान हो, अपने रिंग के लिए भैंस बेचवा रहे हो तुम। रिंग नहीं, हनीमून। ओ सॉरी, हनीमून। हाँ तो कुछ स्पेशल चीज है हमारे लिए, वो तो अच्छा होना चाहिए ना, और तुम इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे, तो मेरी जिम्मेदारी है ना कि मैं इसको अच्छा बनाऊँ। बस एक बात और बताना, क्या ऐसा तो नहीं है तुम यहाँ पे आके शॉर्ट्स मतलब कच्चे वगैरह पहनो और फिर उसके बाद यहाँ के लोग देखो, हाँ बड़ी मॉडल आ गई है सब, तुम अपने मतलब अपनी टांगे दिखाओ सबको, पेट दिखाओ, ऐसा कुछ तो नहीं होने वाला है ना। नहीं, जब मैं आऊंगी ना तो मैं एक हफ्ते रेगुलर साड़ी या सूटी पहनूंगी, उसके बाद में शॉर्ट्स स्टार्ट कर दूंगी, तो एक शॉर्ट्स, हफ्ते तक तो पहन लूंगी, तो तुम क्या। जानती हो ना गांव वाले का क्या सीन रहता है, बुड्ढे तक भी घूरते हैं। हाँ तो मैं बाहर थोड़ी खड़ी हुई हूँ, मैं तो घर में ही रहूंगी। ठीक है बाबा, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि शादी कैंसिल हो जाए। अभी नहीं हो सकता, अब वो 5 दिन जो बचे हैं। हो जाए कैंसिल, मेरी रिंग तो वापस आएगी, एक भैंसिया तो ले लूंगा मैं उसी रिंग से। क्यों? अभी टूट गई ना तो वो रिंग वापस नहीं आने वाली। अच्छा ठीक है, जो तुमने मेरे को दी थी ना, मैं उसी को बेच के ले लूंगा सिंपल। ठीक है, हाँ दो भैंस आ जाएंगे मेरे इसमें। ओके। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, कहीं और कहीं डिमांड ना आ जाए तुम्हारी, तो मैं तो सच में चक्कर खा के गिर जाने वाला हूँ। अच्छा, हमारा रूम का तो मैं मैं उसको जा रहा, अच्छे मैं से जा ले, रहा, मैं जा रहा, मैं जा रहा, बाय।